जो मैंने देखा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लगती है, छू जाती है एंड में। और सलमान, मुझे सलमान खान साहब की याद आती है तेरे नाम। वेल नो नॉट रियली, क्योंकि जब व्हेन आई गॉट क्रिएटिवली इन्वॉल्व आई न्यू फॉर अ फैक्ट के क्या होता है कि आज की हमारी जो ऑडियंस है ना, पहले 10 सेकंड में देख के बोल देती है कि आगे का वीडियो देखना है कि नहीं। एंड व्हेन दे स्टार्ट कंटिन्यूइंग देयर इज ऑलवेज एन एक्सपेक्टेंसी के एंड में कुछ अलग आए। जब वो अलग की बात आई तो ये स्टोरी जो है ना, इट्स वेरी इम्पैक्टफुल। लोगों को ये दिखाने का हमेशा से ही इरादा ये था कि प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा पा लेना। प्यार का मतलब ये होता है कि अगर आप जिसको प्यार करते हो उसको कहीं और खुश देखते हो, टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन इन लव, दैट सैक्रिफाइस इज एवरीथिंग। प्यार में सैक्रिफाइस, तो वो उस तरह से ना ये स्टोरी बिल्डअप हुई। बट इट्स अ वेरी गुड थॉट कि आपने इसको ना तेरे नाम के साथ रिलेट किया, क्योंकि हाँ, क्योंकि आई थिंक दैट्स द ओनली बॉलीवुड फिल्म दैट वॉज मेड जिसके अंदर पागलपन, जिसके अंदर एक मेंटल असाइलम, एंड दैट वॉज व्हाट अ बेंचमार्क ऑफ अ फिल्म यार। बट नहीं, इंटेंशनली इट वॉजंट डन, इट वॉज इट इंटेंशनली इट वॉजंट डन ना। कास्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू नो। व्हाट वाज योर रिएक्शन द मोमेंट दिस दे आस्क्ड टू बी ऑन बोर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट विद Well, I'm very fond of Saurabh's work, our director. And when he played the song, I first fell in love with the song. I was like, oh my God, ye kiski awaaz hai? You know, it's so intense and so amazing. And secondly, when he told me the dance forms that he will be using, the type of art he will portray, तब मैंने बोला कि ये तो मुझे करना ही है, बिकॉज दिस इज़ लाइक यू कैन से काइंड ऑफ पार्ट ऑफ माय फोर्टे, बिकॉज आई यूज्ड टू बी अ फिगर स्केटर, जिसमें बहुत सारे ये मॉडर्न डांस बैले क्लासेस क्या बोलते हैं लगता था, यू नो, टू बिल्ड योर फॉर्म, योर पोस्चर एंड एवरीथिंग। So this is something I've been waiting for actually to get to show in Bollywood, but pehle se kisi ne wo offer nahi kiya hai, to abhi Saurabh ne ye finally mujhe offer kiya hai, to mujhe bahut bahut acha laga, and that's why I've gone like all out in this, being very strict with myself also to make sure ki sare steps matlab acche dekhenge, barabar dekhenge, and yeah, so I'm extremely grateful. Like, this is something like my parents also are so proud of, and my mother was so happy when she saw the teaser that she immediately sent it to my figure skating trainer, and she was also very proud seeing me performing like this in Bollywood, showcasing this side of me. As you said, you haven't done anything something like this before. Is this an intentional effort to break your body of work which you have already done? So I didn't get you. As you said, you know, you have never done something like this. If this is an intentional effort to break the body of work which you have already done? Or exploring yourself? Oh, well, no. मतलब मेरा कहने का मतलब यही था कि ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो एक्चुअली मेरे अंदर है, बिकॉज आई वॉज अ फिगर स्केटर, सो द आर्ट इज वेरी मच सिमिलर, एंड आई वुड से मोर देन द काइंड ऑफ वर्क दैट आई हैव बीन डूइंग इन बॉलीवुड, दिस इज मोर क्लोजेस्ट टू माई क्लोजर टू माई माई सोल एंड माई हार्ट, बिकॉज दिस इज वेरी क्लोज टू फिगर स्केटिंग विच वॉज लाइक द बिगेस्ट क्रश इन माई लाइफ। सो व्हाट आई मीन टू से कि मेरे लिए like these kind of a posters and all is much more natural and closer to my heart than the thak thak, you know, so yeah. Awaaz sunte hi kaano mera jhoom jata hai, isliye nahi bol raha main aapke room mein baitha hu, waqai mein acha tha. Thank you so much. Kaisi journey rahi aur kya itna mushkil aur aasan raha? Hum bol dete hain ki humne gaana kar liya ya artist on board aa gaye, lekin ek pura safar hota hai uske piche, kisi project ke piche, through some light. नहीं, ऑफ कोर्स आसान बिल्कुल नहीं होता है, ये तो मैं सबसे पहले बता दूं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट।
बोथ वेज, आप ऑडियो देखें वीडियो देखें, पहले तो ऑडियो में बहुत मेहनत रहती है जो मैं पीछे करता हूँ, जो कई बार यू नो बयां नहीं हो पाती है क्योंकि, बट ऑडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है. उसके बाद जो वीडियो का फैक्टर आता है, और हम इस स्केल पे अगर एक वीडियो बनाने का प्लान कर रहे हैं, सो यू नो बहुत सारी इसमें डिफ़िकल्टीज रहती है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रहते हैं. बट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आई है, मतलब लाइक ड्यूरिंग द शूट काफ़ी सारी चीज़ें थी, इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट शूट. ये एक नॉर्मल लव वीडियो, सैड वीडियो की तरह नहीं था, इसमें डांस है, स्टोरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो येस, आई थिंक इतना आसान सफ़र नहीं होता है गाने को बनाना, बट आई एम हैप्पी फाइनली वीडियो आज आ गया है एंड वी सक्सेसफुली डिड इट एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट. जब एली और सलमान जैसे शख्सियत हिस्सा बन जाते हैं, कितनी ज़िंदगी आसान हो जाती है? ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है. दोनों बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं, दोनों बहुत प्रोफेशनल हैं अपने काम को लेके और बाकी चीज़ों को भी लेके. सो यू नो चीज़ें काफ़ी आसान हो गई यहाँ पे. अगर पहले तो कोई दूसरा थॉट था ही नहीं कि कोई और एक्टर आएगा. सौरभ हु सीम्स टू बी लाइक माय ब्रदर एंड अ वेरी गुड डायरेक्टर, उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि भाई ये दो लोग रहेंगे तो हम ये वीडियो करते, नहीं तो कुछ और सोचेंगे. बट आई रियली वॉन्टेड टू डू इट, क्योंकि मैंने जब आइडिया समझा था, इस तरह का डांस फॉर्म देखा था. सो आई थिंक लाइफ बहुत आसान हो गई है नाउ. एली इज़ सो बिग, यू नो पीपल लव हर. सलमान भाई को लोग इतना प्यार करते हैं, इतना देखा है दोनों को लोगों ने. सो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है ऑफकोर्स. या पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपका पर्सपेक्टिव जो आपने वो, मैं एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर मैं अटक गया आपने जब वो क्वेश्चन पूछा, बिकॉज मैंने वो ऑडियंस पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं कि आप उसको तेरे नाम से रिलेट कर जाओगे. फिर अभी बैठ के तब से मैं सोच रहा था उसका क्लाइमैक्स क्या था. तब मुझे याद आया वो अपने क्लाइमैक्स में जैसे उनको होश आता है वो भागते हैं ताकि शादी ना हो जाए, और फिर वहाँ पर उनके पार्टनर को मरा पड़ा देखते हैं. यहाँ पर मैं आता हूँ पर उसको खुश देख कर आई सेक्रीफाइस इट सेइंग कि लेट हर बी, लेट मी नॉट डिस्टर्ब हर लाइफ. तो ना इट्स एन अमेजिंग टेक. ये ऑडियंस का पर्सपेक्टिव मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा रहेगा, बट अमेजिंग गुड. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट कोरियोग्राफी, यस कोरियोग्राफी हम लोगों का जो प्रोसेस है इट वॉज वेरी नेचुरल. हमने बैठ के पहले डिस्कशन किया कि इस सॉन्ग को सुनकर आपको क्या लगता है, वॉट डू यू फील. तो उस इमोशन को जब हमने पकड़ा रिहर्सल हॉल में, जब हम गए वी नेचुरली लेट आर बॉडीज फ्लो. हमने कहा कि लेट्स सी हाउ द बॉडी रिएक्ट्स, जब कोरियोग्राफी प्रोसेस थी, और उस हिसाब से जो प्लस माइनस करना था, जो येस नो होना था, वो पूरा प्रोसेस हुआ. और फिर वो चीज़ मैकेनिकल ना लगे, ताकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ही रिहर्सल किया हुआ है और आके ना परफॉर्म करें, नहीं, इट ऑल्सो नीड्स टू लुक नेचुरल. उस पर बहुत काम हुआ है. जी बट थैंकफुली ही डज गिव इट टू मी फॉर ऑल माई वर्क. वी हैव अ गुड 20 मिनट्स का डिस्कशन, और बहुत ही मैं उनको बताऊँ सर, लाइक अ प्योर क्रिटिक, प्लीज टेल मी, बिकॉज हर एक चीज़ आपसे सुनना फॉर मी इज अ लर्निंग प्रोसेस, एंड फॉर हिम हिज बॉडी ऑफ वर्क, द डायरेक्टर ही इज, द कोरियोग्राफर ही इज, इट्स अ ब्लेसिंग दैट आई हैव समबडी लाइक हिम टू कॉल मी अप आगे से एंड स्पीक टू मी. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या बोला, तो उनको म्यूजिक क्या, उनको पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा, उसके अंदर उनको सर्टन मूव्स बहुत अच्छे लगे जिस हिसाब से एडिट किए गए थे, एंड ही लव द स्टोरी टेलिंग, एवरीथिंग वॉज अ प्लस. एंड उनको लगा कि यार बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने, एक पॉइंट उन्होंने ऐसा बोला कि उनको लगा हमने बहुत ज़्यादा डांस कर दिया, बट वी एज अ टीम फेल्ट कि नहीं यार, फॉर द पिकअप जो गाने का जो रॉक वर्जन है उसके लिए शायद वो नेसेसरी था. बट आई टेक हिज पर्सपेक्टिव ऑल्सो, एंड आई लव द फैक्ट दैट ही कॉल्ड मी अप. I would like to say, you know, this what you were asking. Now I remembered. During the rehearsals, so this contemporary dance form that we were doing, where we are like falling down on the floor. So I have this thing like, that's the only thing for my body, jo mera body matlab acha nahi lagta hai, where it's very much like I resist. And I think it has to do because of my figure skating days again, because it is, we are always up here, okay. And then it's always about landing and not falling on the ice, you know. So falling on the ice happened few times, and that's like, you know, the body remembers this,
रिमेंबर्स इट एज अ ट्रामा, यू नो, आप गिर जाते हो, मतलब दर्द होता है. सो दैट आई रिमेंबर सलमान वॉज लाइक, नो एली, यू नीड टू लाइक लव द फ्लोर, लाइक फॉल ईजिली. सो आई लिटरली वेंट डाउन ऑन द फ्लोर एंड आई वॉज लाइक, आई वॉज किसिंग एंड आई लाइक, आई लव यू फ्लोर, आई लव यू सो मच एंड जस्ट आई वॉन्ट टू गेट डर्टी हियर विद ऑल, बिकॉज आई एम वेरी मच लाइक डस्ट डस्ट डस्ट, यू नो, लाइक दिस. सो आई वॉज लाइक, नहीं नहीं, आई लव यू, लव यू, लव यू. And that's when then slowly I started to embrace the floor work. So yeah, and then on the day of shoot, wo floor itna ye wow, matlab kya bolte hai, wo smooth nahi tha. Smooth nahi tha. But tab ye yaad karna tha ki no, I love the floor. And wo bhi pani ke upar bhi, aur humko matlab aisa slide bhi nahi hona chahiye tha. So it was very tough, but with God's grace, we managed to do it. Oh, it's been wonderful. I feel really blessed that I've got this experience. Matlab jo bhi maine sunna unke bare mein when I entered the industry, like everything is so true. He's just such an amazing person, so professional, so into everything. There's so much to learn from him. So that has been a great experience and I'm super excited for you guys to see that song also. Okay, guys, peeche bade log mein kya kya message dena chahenge? Mujhe to bada acha laga yaar. Rahul, kya message dena आपके वेल, इफ़ आई हैव टू बिगिन, आई से कि यार अगर आप आपके टैलेंट में, अगर आप आपके प्रोडक्ट में भरोसा रखते हो तो डोंट वरी आज की डेट में. आई थिंक लॉकडाउन इज़ ऑल्सो हेल्प अस इन क्वाइट अ बिट, क्योंकि आज OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं, हमारे यूट्यूब चैनल्स जो हैं, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, कोई बड़े प्रोड्यूसर पे, कोई बड़े डायरेक्टर पे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो. अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपको विश्वास है कि वो ऑडियंस तक पहुँचेगा, उनके दिल को छुएगा, कम आउट एंड गिव इट एंड द ऑडियंस विल सी इट. और आज की ऑडियंस हमारी बहुत स्मार्ट है. आज जैसे कि ऋतिक सर का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही बनेगा जो हकदार होगा. तो दिस इज़ द ज़माना वी आर इन. सो थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस एंड वी हैव डन आवर बेस्ट, नाउ इट्स अप टू यू. वेल, फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, ऑफ कोर्स यू नो वी पुट our entire soul into our work. So, of course, you wanted to reach out, because for me, I want to inspire people. I want people to watch this video and say, yaar, ye mujhe bhi seekhna hai. I also want to dance like this and perform like this. And for me, everything I do it for myself, actually, for my own satisfaction, so that I can feel proud of myself when I will be 80-year-old auntie. आई विल फील प्राउड, मतलब ये सारे चीज़ों को देख के कि यू नो ये मैंने किया है अपने लाइफ में, यू नो. सो एंड आई थिंक दैट इज़ वाई आई एम वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ ऑल्सो, कि अगर मैं एक स्टेप नहीं कर पा रही हूँ ना, आई एम वेरी मच लाइक नहीं, मुझे करना, बिकॉज इट्स फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन. आई वॉन्ट टू फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ, यू नो. उसके बाद इफ़ माई फैमिली ऑल्सो आर प्राउड एंड माई क्लोज फ्रेंड्स, दैट ऑल्सो ऑफ कोर्स वॉर्म्स माई हार्ट अलॉट, बट दैट इज़ माई मेन थिंग, यू नो. And then to inspire others, yeah. Very light on note, मुझे लग रहा है आमिर खान की कंपनी का ज़्यादा असर हो रहा है. क्या क्या? कंपनी में आमिर खान ने जो अच्छा ऐसा है? Inspired you. या शायद मैं ऐसे इंसान भी हूँ, शायद मैंने इनके लिए काम भी किया है इसकी वजह से. बहुत अच्छी-अच्छी बातें सलमान एंड एली ने बोली दी है, but to sum up with, you know. बहुत सारा हार्डवर्क किया है एंड आई रियली वॉन्ट टू यू नो रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस दैट प्लीज़ सपोर्ट ओरिजिनल म्यूज़िक, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, एंड सो दैट यू नो
आई कैन डू मोर सच स्टफ्स अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा तो. और इस गाने पे बहुत मेहनत करी है मैंने, इन्होंने इन्होंने. ऑल्सो टू मैंशन सौरभ हु इज़ अ डायरेक्टर, अमित लखानी हु इज़ द लिरिसिस्ट, एंड ऑल्सो टू ऑल द पीपल जो बिहाइंड द कैमराज रहते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं. सो आप लोग अगर अप्रिशिएट करेंगे तो हम ऐसे ही बहुत सारा काम शायद कर पाएंगे आगे भी. सो प्लीज़ गिव ऑल योर लव टू फिदाई, इट्स ऑलरेडी आउट ऑन माई चैनल विच इज़ राहुल जैन. Thank you so much, guys. Thank you.